व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। इंट्रो होगा बाद में, पहले आती ही रात होगी तो सो जाते हैं। तो गाइस, आपको लास्ट वाले एपिसोड में याद होगा कि मैं क्रिएटिव हुआ हूँ। जिन बंदों को याद नहीं है और जिनको याद है उनको है। तो आज की इस वाले एपिसोड में मैं अपने घर को बाद में कंप्लीट करूँगा। मैं हर बार कहता हूँ कि अपने घरों को कंप्लीट करूँगा, बट इनको कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक सीरियसली टॉकिंग, कोई फ़ायदा नहीं है। इनको एक साथ एक अलग एपिसोड बना के कंप्लीट करने में मेरे को अच्छा लगेगा। तो अब मैं आज अपने लिए सोच रहा हूँ एक नया हाउस। आप भी सोच रहे होंगे कि अपने पहले वाले हाउस तो कंप्लीट कर, नया हाउस बनाएगा। हाँ, मैं करूँगा, वो भी करूँगा, जल्द ही करूँगा। लेकिन नहीं लगता, मेरा अच्छा मन नहीं मेरा कंप्लीट करने का। मेन बात तो ये है, मेरा मन नहीं है उनको कंप्लीट करने का, हैं? ये सारे कलेक्ट करते हैं फिर मैं बनाऊंगा। आते ही एक पिकेक्स रख देते हैं, नहीं ले लेते हैं, चाहिए होगी। इतने फूल हैं मेरे पे, कुछ आते ही हैं, इतने बहुत हैं, ये बहुत हैं। आज मैं एक बनाऊंगा बेसमेंट टनल। मेरे को जगह भी मैंने डिसाइड की है, वो यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, बस बिल्कुल पास ही लगा लो। दिखाता हूँ मैं तुम्हें जाके। ये साइड पूरी, इस पूरी साइड पे बनेगा वो पर्टिकुलर आइटम। मैं सबसे पहले जाके अपने लिए कुछ टूल्स लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। मैं दो शॉवल और ले आया हूँ जाके अपना आराम से। तो अब सबसे पहले यहाँ से खोदना शुरू करता हूँ। यहाँ से हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। मेन बात तो वो है, अपन को वीडियो होने ना, मेन बात तो ये है अपन को रिसोर्सेज मिलेंगे। और रिसोर्सेज अगर मिलेंगे मेरे को तो मैं सब कर सकता हूँ। पूरा हर चीज का एक बड़ा बड़ा रूम बनेंगे। मेरे को अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पे जो नेदरराइट था ना, मेरे को उसकी नेदरराइट की पिकैक्स बनानी चाहिए थी स्वॉर्ड की जगह। यहाँ तो होगा अपना मेन हॉल, यहाँ पे सोफा वगैरह बनाएंगे, ठीक है। Hmm.
यहाँ से नीचे को होगा अपना और आइटम, मेरे को जाके और फूड भी लाना होगा बाद में, ठीक है। अब यहाँ के ब्लॉक चेंज करने के लिए मेरे पे है कुछ भी नहीं, मेरे घर पे काफ़ी सारी, लास्ट टाइम जब अपन ने ये पहाड़ी वाला घर बनाया था ना अपना, तब की मेरे पे कुछ स्टोन ब्रिक्स बची हैं, मैं वो लेके आता हूँ जाके। यहीं कहीं ब्लॉक की चेस्ट में थी आई थिंक सो, ना यहाँ तो नहीं है, फिर वो ऊपर होंगी। मेरे पे थोड़ा अगर ऊपर क्वार्ड रखा होगा तो मैं लेके आता हूँ क्वार्ड, क्योंकि लास्ट टाइम जब एंशियन डेब्रिस की माइनिंग पे गए थे ना अपन, तो मेरे को मिला था क्वार्ड, थोड़ी लीव्स भी ले लेते हैं ना यहाँ तो। मैं क्या लेने आया था वैसे, यहाँ पे ये चाहिए मेरे को, हाँ ये सब। मैं क्या लेने के आया था यहाँ पे, हाँ स्टोन ब्रिक्स, हाँ और थोड़ी वाइट फूड, ओके। ओ मेरे को काफी सारी चाहिए स्टेयर्स, हाँ ये वाली 12 ही नफ है, इसमें क्वाड नहीं है यानी कि होगा इसी में होगा क्वाड, अब ना यार इसमें भी नहीं है मेरा क्वाड, ये इसमें है तो खाली है। अच्छा याद आई, ओ यहाँ क्यों आ गई मैं क्वाड, गाइस मुझे याद आई कि मेरे पास तो क्वाड रखा ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा क्रिएटिव वो प्योर सर्वाइवल हाउस है, प्योर सर्वाइवल हाउस। कहाँ था, हाँ आगे था, क्या पीछे बनाना चाहिए था, यहाँ की वजह है ना। मैं चाहूँ तो अभी भी जा सकता हूँ, बट अब अगर मेहनत कर ही दी है तो करो ना कंप्लीट। काम करता हूँ ना, ये डिजाइन काफी अच्छा है, इतना तगड़ा डिजाइन भी बन गया। मेरे पे जो जो रिसोर्सेज है ना इस टाइम पे, मैं उनका यूज करके बनाऊंगा इसको फूल, अपने रिसोर्सेस को यूज कर करके ध्यान में रख करके। ये साइड एक जगह से बड़ी है, एक ब्लॉक लंबी है ये, अब बराबर का है ना, बराबर का रखूंगा पूरा गैप, गैप में बनेगा सब। ओके करके ज़्यादा अच्छी लगती है। डोर के अंदर लाइट, ओके ब्लैक स्टोन नहीं है वो, ज़्यादा ब्लैक स्टोन होता ना।
मैं काम करता हूँ, जाके सो जाता हूँ पहले तो, फिर जाके सो के आते हैं, अब जल्दी से निकलते हैं। ऐसे कमांड भी मार सकता था आज, पता नहीं मेरा गेम काफी लैग कर रहा है आज ना, वो रहा है लैग। ठीक है तो अब चलते हैं। हाँ ये भी तो अच्छा लगेगा, हाँ ये करूँगा अब मैं। ओ ये ओट्स है होती तो बन जाती बात मेरी, बट ये अच्छा लग रहा है, डार्क फील आ रही है एकदम, है ना डार्क सी फील, ओपी फील। ये देखो कितना मस्त फील आ रही है ना ऐसे रूम में, ऐसे तो और अच्छा लगेगा। हाँ वो मैं जो बनाना चाह रहा हूँ उसमें तो ये तगड़ा लगेगा, काफी तगड़ा। लुक देने के लिए फुल प्रूफ सोफा नहीं बना अपना, जैसा मैंने सोचा था वैसा बना नहीं। सोफा जगह कम है काफी ना, कम जगह में अच्छा बनाना है अपन को। तो एक और ये यार बेड, इसमें फील नहीं आ रही। अब आइए बराबर उड़ती मेरे पे एकदम एक ब्लॉक की हाइट। तो ये तो है चिल एरिया, चिलिंग एरिया। मैं रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए नैदर में जा रहा हूँ इस टाइम, डायमंड की एक्ट में रख के ही जाऊंगा यहाँ पे। ये फालतू के एक्स भी है ना मेरे पे, ये लिख के जाएंगे अपन अपनी फालतू वाली एक्स है हाँ, और डायमंड की एक्स रखते हैं। चलो मेरी फ्रेश टाइप की एक्स, स्टोन ब्रिक थी मैंने उनका तो यूज किया ही नहीं। ये लीव लगाऊंगा अभी जाके मैं, और अपना डेकोरेशन टाइम सामान मैं सारे यहीं रख के जा रहा हूँ, और बाद के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान और फूड। इतना है ही अपन पे, इतना बहुत है। वीडियो कितनी देर की है, 14 मिनट की हो चुकी है। 14 मिनट की हो चुकी है वीडियो, अब ऊपर चलते हैं भाग के जल्दी से, इतना भी ऊपर नहीं जाना। फ्लैश के चाचा बन चुके हैं हम, बाय डॉगू बाय बाय। पहुंच चुके हैं तो हैं पन्नेदर में,
बट अगर एक वो ये हट जाए तब हम कुछ कर पाएंगे। लेट्स गो कहाँ है भाई, मेरे को दिखता भी तो नहीं है। ऐसा ऐसी शुरुआत होती है ना वो तरीके, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है मेरे को यहाँ पे ना, मेरे नेदर में। कसम से मैं गिर जाता। ब्लॉक की कोई कमी नहीं है, आराम से लूटू। ग्लिच, दिस इज द ग्लिच। इतने ब्लॉक इनफ होंगे मेरे लिए। ये अपना नेदर है ना इतना घटिया है। कई बंदों को देखा उनका तो अपन से बहुत घटिया होता है, अपना तो अच्छा है सबसे उन सबसे। बाकी है तो अपना भी घटिया है, काफी घटिया है अपना भी। क्राउड चुन बचाऊ ना तो खत्म। क्राउच होके कलेक्ट करूंगा और जो क्वाड मिलेगा वो भी ले चलूंगा। थोड़ा शूम लाइट होती है ना इनमें, शूम लाइट कहाँ है? शूम लाइट ये मिलेगा ऐसे, वो मिलता है मस्त वाइन, मस्त है वाइन। गोल्ड पैन के है ना, ये इससे जल्दी टूटता है? किसी से नहीं टूटता आई थिंक सो जल्दी। तो ओ गास्ट ना देखना, दो दो हैं। अपना क्वाड लेके निकल रहा हूँ। एक ही था क्यों फिर यहाँ, एक ही जीना था तो मार लो। देखना ले इनकी नजरों में नहीं आना, बस कुछ सब हो जाएगा। लेकिन इनसे मैं बो भी नहीं रहा हूँ, घर पे है वो। 26 XP है, सब निकल गए। बहुत नुकसान हो जाएगा अगर XP गई तो, मेरी तो लग जाएंगे मेरे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इंचेंटिंग टेबल बनाने वाला हूँ और इंचेंटिंग चाहिए मेरे को अपनी नेदराइट स्वॉर्ड पे। कुछ अच्छी मिलती है तो उस पे लूंगा, वरना डायमंड पे कैसे अपनी डायमंड एक्स। 17 क्वाड है, छी इतना सा क्वाड। ये चाहिए, काफी सारे अच्छे दिखते हैं। ठीक है तो चलो ये भी लेके चलते हैं अब। और कुछ है ले जाने लायक? वुड श्रूम लाइट है उस पेड़ में, श्रूम लाइट्स चाहिए काफी सारी। यहाँ पे भी है 3 श्रूम लाइट, आ तो जाएंगे ना। और पिकेक्स सबसे आती है श्रूम लाइट, एक और थी। हाँ श्रूम लाइट अपने घर में बहुत तगड़ी दिखेंगी, मैं कसम से बता रहा हूँ। को पता है मैंने कई जगह देखी है कई बंदों की वीडियोज में कि श्रूम लाइट लगाते हैं वो अपने ऐसे ही घर में डार्क ओक की फीलिंग के साथ, तो ये और अच्छी लगती है। देखा है बहुत तगड़ा ओपी लगती है एकदम। इस पे भी है श्रूम लाइट, ठीक है। हाँ चलो आई थिंक इतनी इनफ है मेरे को वुड वगैरह श्रूम लाइट सब ना। यार इतनी सी क्या होगा, कुछ भी नहीं।
शुरूम लाइट तो एक बार को सही भी है, मैं जुगाड़ से लगा दूंगा, लेकिन ये लीव्स और ये है ना वुड, ये बहुत देर लगाती है टूटने में। तो मेरा ज्यादा मन नहीं कर रहा इनको ले जाने का, करने का ना। टॉप है लालच की लिमिट नहीं होती, तो मतलब कि अब घर जाना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेरे तो वरना लग जाएंगे काफी अच्छे वाले। वैसे ही है अपना घटिया स्पॉन, और घटिया हो जाएगा। क्या भूल ही गया मैं, ओपन चैट, रिस्पॉन पॉइंट चैट, ओपन द प्रेस ओपन टू चैट, रिस्पॉन पॉइंट चैट, ओके ओके। जलने का ज़ॉम्बीज को है ना बहुत शौक है, तभी दिन में पैदा रहते हैं, वरना वो दिन में भी मार देना चाहिए था माइनक्राफ्ट को। मरता भी मैं गंदे वाला, सीक्रेट टाइप हाउस है मेरा, कोई है तो नहीं ना घर में, कोई घुसा हुआ हो और लपेट जाए। बट डरा ही है इसने तो, कसम से मैं बहुत जोर का डरा इसने। ठीक है, इतना तो सही है मेरा घर। हाँ तो बहुत तगड़ी आ रही है घर की नीचे। हाँ आज तो कितनी देर की, 24 की हो गई यार वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करूँगा ऑफलाइन में। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय या